गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। तो हम पहले वो टॉपिक पढ़ते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके जीवन में आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, उन चैप्टर को हम पहले पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको पूरा कम्प्लीट करेंगे। उसके 3 यूनिट हैं, ऐसे 4 हैं लेकिन जनरली 3 ही यूनिट हैं, उनको हम कंप्लीट पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहली यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये पहली यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th क्लास में। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और अल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले, मीन्स कार्बन चेन कैसी है, ऐसी है, मीन सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन है। इसको अगर लिखना हो CH3CH2 और या इनमें से कोई भी एक हेलोजन लगा दें, Br लगा दें, क्लोरीन लगा दें, CH3CH2Cl। और हेलो का मतलब हेलोजन और एरीन्स का मतलब हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग वाले पढ़ने हैं हमें हेलोजन, और कौन से सिंपल चेन वाले हेलोजन पढ़ने हैं हमें। तो अब पहले हम पढ़ेंगे हेलोजन, हेलो अल्केन, एरीन्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स। हम हेलो अल्केन्स के बारे में जानेंगे कि इनका नोमेनक्लेचर जो है, हम कौन सी क्लास में पढ़ चुके थे, 11th क्लास में हम इनका नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। पहला अगर क्लासिफिकेशन करूं तो ये हो सकते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन्स CH3Cl, ठीक है, जिस या फिर इसको लिख सकता हूँ CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl, क्योंकि आप जानते हैं मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अल्कोहल हो, हेलो अल्केन हो, हेलो एरेन हो, हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी क्या होते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये हेलोजन है और जिस कौन से कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है। फर्दर वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो कौन सा, प्राइमरी हेलो अल्केन, इसका क्या नाम हो गया भाई, प्राइमरी हेलो अल्केन। अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, मान लीजिए कार्बन है और इससे हेलोजन जुड़ा है Cl, फर्दर ये कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्दर अगर ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये कैसा, सेकेंडरी हेलो अल्केन। ध्यान दे भाई, वैलेंसी पूरी कर लेना, 1, 2, 3 और एक यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, 1 और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, ये कैसा हेलो अल्केन है, सेकेंडरी हेलो अल्केन है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ता है, अगर एक कार्बन से जुड़ता है तो प्राइमरी, दो से जुड़ता है तो सेकेंडरी, और तीन से जुड़ता है तो कौन सा, टर्शरी। टर्शरी कौन सा होगा, ये कार्बन है इससे कौन जुड़ा है, हेलोजन। अब फर्दर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन से, तो इसको हम क्या कह देंगे, टर्शरी हेलो अल्केन। वैलेंसी पूरी कर लेंगे, या कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, या कितना, 3 हाइड्रोजन, या कितना, 3, और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड बनाता है, उन 4 बॉन्ड से ही हम 4 बॉन्ड को कंप्लीट कराने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं, अगर 4 हैं तो ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन लगा देते हैं उतने ही। समझ गए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो अल्केन से क्या होते हैं, जिन कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो फर्दर अगर एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है टर्शरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वैसे हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, नोमेनक्लेचर के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं,
के नमन क्लेचर हम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। मैं पहला ही कंपाउंड लिखता हूँ, मान लीजिए क्या है, CH3Cl है। आईयूपीएसी नेम पढ़े थे हमने इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नंबर क्लेचर पढ़े थे। इसका आईयूपीएसी नंबर क्लेचर क्या होगा, क्लोरो, और इसका क्या नाम है, मीथेन, क्लोरो मीथेन, इसका आईयूपीएसी नेम है बस। अब हम पढ़ने हैं या कॉमन नेम भी हमें पता होना चाहिए इसका। ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया, कॉमन नेम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो कॉमन नेम इनका हम कैसे लिखते हैं, इसका क्या नाम है, मिथाइल, और इसको लिख देंगे क्लोराइड। कॉमन नेम हो गया इसका मिथाइल क्लोराइड, हमें इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं देखा, डायरेक्ट लिख दिया ये मिथाइल है और ये क्लोराइड है। ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। मान लीजिए ऐसा होता CH3CH2Br, तो इसका आईयूपीएसी नाम हम क्या लिखते, ब्रोमो इथेन, दो कार्बन के लिए ईथ और सिंगल बॉन्ड है एन, ब्रोमो इथेन। और कॉमन नाम हम क्या लिख देंगे, इसका क्या नाम है, इथाइल, और इसको क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। समझ गए होंगे आप कॉमन नाम कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इथाइल और ब्रोमाइड, जो भी हेलोजन लगा हो उसको कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार ध्यान देना, इस बार का जो कॉमन नेम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब में लागू होगा। मान लीजिए ये है CH3CH, यहाँ मैंने लिख दिया Br और यहाँ मैंने लिख दिया CH3 भाई। ध्यान देंगे, पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 1, 2, 3, 2 क्या है, ब्रोमो, और इसको क्या कह देंगे, प्रोपेन, 2-ब्रोमो प्रोपेन। ये तो आईयूपीएसी नेम है जो हम 11th क्लास में जान चुके थे। अब इसका जो कॉमन नेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस साइड पे कार्बन हो, इस साइड पे कार्बन हो, बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, ऐसा अगर आपकी कहीं संभावना दिखती हो, 3 कार्बन हो और उन 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन के साथ कुछ भी लगा हो, उस पोजीशन को बोलते हैं आइसो। इस बात का ध्यान देना भाई, में आइसो पोजीशन बोलते हैं, इसका नाम कॉमन नेम होगा आइसो। और ये क्या है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस पोजीशन को आइसो बोलेंगे। अगर आगे हम और भी यूनिट पढ़ेंगे, मान लीजिए ऐसा आ जाए CH3CH OH और क्या CH3, इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोएच ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। कॉमन नेम में हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं भाई, ओल वगैरह नहीं लगाते, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, ब्रोमीन है ब्रोमाइड लिख दिया, अल्कोहल अल्कोहल लिख दिया, अमीन होता अमीन लिख देते, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, आइसो पोजीशन होगी, आइसो पोजीशन होगी, 2-3 कार्बन के बीच वाले कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप लगा है वो आइसो शब्द उसके लिए हम यूज करेंगे। इस बात को माइंड में बैठा लेना, बहुत बार यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें CH3CH CH3CH, यहाँ CL लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, CH2CH3CH3। पहले इसका अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करें तो काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, इधर से या इधर से, इधर से करें, क्योंकि इस क्लोरो के ऊपर छोटा नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, 2 क्लोरो और 5-4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अगर हम बात करनी है किसकी, बात करनी किसकी, कॉमन नेम की, कॉमन नेम की बात करनी है हमें, कॉमन नेम इसका होगा जिस कार्बन से, ध्यान दे भाई, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है भाई,
दो कार्बन से, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हमें सेकेंडरी, दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं सेकेंडरी। तो इसका कॉमन नाम लिखेंगे, सेकेंडरी को लिखेंगे SEC, इतना लिख के छोड़ देंगे सेकेंडरी, और चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड, चार कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आगे होगी बात समझ में, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर टर्शरी होता, अगर ऐसा होता CH3C, यहाँ CH3 होता, यहाँ Cl होता, यहाँ क्या होता CH2CH3। इसका नाम देखिए क्या बोलते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कौन सा टर्शरी है, टर्ट लिख देते और सारे कार्बन गिन लेते 1 2 3 4 5 के लिए क्या पेंटाइल और क्लोराइड। समझ गए होंगे IUPAC नेमिंग में और कॉमन नेमिंग में क्या डिफरेंस है। मैंने 2-3 बात बताई, बस इन बातों को ध्यान रखना और आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है इसका। अगर हम वो नाम लिखेंगे कौन सा IUPAC, तो 1 2 3 4 टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, ये समझते हैं आप IUPAC नेम, आप जानते हैं कॉमन नेम बताया मैंने 2-3, इनको ध्यान देना है। नेमिंग में कुछ बातें और रह गई थोड़ी सी, वो और देख लेते हैं हम। देखो ध्यान दे भाई, एक होता है एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक पोजिशन, एलाइलिक पोजिशन। देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे अगले कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो इस पोजिशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजिशन। ध्यान रखना है इस बात का भी, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2 लगेंगे, यहाँ कितना लगेगा 1 लगेगा, यहाँ कितना लगेगा 2 लगेगा। इस तरह से जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उससे अगली पोजीशन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड है तो उस हेलोजन को हम कहेंगे ये एलाइलिक हेलोजन है। एक होता है विनाइलिक, विनाइलिक हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं हमें विनाइलिक हेलोजिनेशन। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उसी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो विनाइलिक, और उससे अगले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक। ठीक है, इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर हो गया, हमने IUPAC नेमिंग वगैरह इसका बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरली हम पढ़ा करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन, जनरली हम यही पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, आप ओनली हेलो अल्केन के बारे में बात करूंगा, हेलो एरिंज को अलग से पढ़ेंगे, आपके किताब में एक साथ दिए हुए हैं, हम अलग पढ़ेंगे इसको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहला है फ्रोम अल्कोहल, फ्रोम अल्कोहल, अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं ROH+HX, यहाँ से बाहर हो गया क्या H2O, बाहर हो गया तो बच गया क्या RX+H2O। ध्यान दे भाई इस बात का, ROH अल्कोहल, अल्कोहल यही तो होता है। R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ भाई, आपकी मर्जी से, आप कितने कार्बन की चेन लिख लिया, R की जगह H लिख लिया, और X की जगह क्या लिख लिया मैंने Cl, क्या बाहर हो गया H2O, बाहर हो गया H2O, बाहर हो गया तो क्या बच गया CH3Cl+H2O, यही तो बना रहे हम, यही तो है हेलो अल्केन, यही तो है हेलो अल्केन। क्लोरो मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, और क्लोरो मिथेन IUPAC नेम है। ठीक है, फ्रोम प्लस HCl। ठीक है, आगे इस बात समझ में, अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से बनाने का मेथड है ये। ठीक है,
अगर मान लीजिए मैं इसमें क्या डालूं, HCl की जगह HBr डालें या फिर HI डालें, तो रिएक्शन कौन से केस में फास्ट होगी, क्योंकि X की जगह मैं Cl भी लिख सकता हूं, Br भी लिख सकता हूं और I भी लिख सकता हूं। तो इस केस में रिएक्शन कौन से केस में फास्ट होगी, मान लीजिए मैं HCl डालूं, HBr डालूं, HI डालूं, तो रिएक्शन कौन सी तेज होगी, कौन सी जल्दी होगी, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी पड़ेगी। जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन होगा भाई। जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना फास्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा, मींस बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, एच आई की ज्यादा है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फास्ट रिएक्शन होगी। मींस अगर एच आई डालेंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, उसके बाद एच बी आर और उसके बाद एच सी एल। ये कई बार पूछ लेता है कि रिएक्शन किस केस में फास्ट होगा, ऑर्डर क्या होगा एसिड का, तो एच आई एच बी आर एंड एच सी एल। आगे होगी बात समझ में, ऐसा क्यों। और यहाँ भी पूछ लेता है आपसे, यहाँ क्या पूछ लेता है, यहाँ ये बात पूछ लेता है आपसे कि अल्कोहल कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, सी एच थ्री ओ एच है मान लीजिए, या फिर सी एच टू सी एच थ्री है, प्लस क्या डाल दिया इसमें, एच आई डाल दिया। दूसरा रिएक्शन है सी एच थ्री सी एच और एक यहाँ सी एच थ्री और यहाँ क्या ओ एच, और तीसरा क्या है ओ एच है, सी एच थ्री है सी एच थ्री है सी एच थ्री है, इसमें भी क्या डाल दिया एच आई डाल दिया, इसमें भी क्या डाल दिया एच आई डाल दिया। प्रोडक्ट इसका भी क्या बनेगा, एच टू ओ बाहर होगा तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू आई प्लस एच टू, इसमें भी क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच थ्री और यहाँ क्या लगेगा आई प्लस एच टू, और इसमें भी क्या बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री आई प्लस एच टू। अब हमें बात का ध्यान ये देना है कि ये पूछ ले इसमें रिएक्शन कौन सा फास्ट होगा, कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन फास्ट होगा, सेकेंडरी के लिए फास्ट होगा, या फिर टर्शरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन फास्ट होगा। देखिए होता क्या है, ये OH यहाँ से जाएगा, ये OH यहाँ से जाएगा, ये OH यहाँ से जाएगा, तभी तो ग्रुप जुड़ेगा। ये OH जब अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कैसा चार्ज जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कैसा चार्ज जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन भी आप जानते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फर्दर अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी और ये कैसा प्राइमरी। तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मींस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा समय तक रहेगा, और आयोडीन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अच्छे से रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल के केस में फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम है प्राइमरी। दो तरह से बताया इस रिएक्शन के बारे में कि यहाँ एच आई लोगे तो फास्ट होगा और यहाँ टर्शरी अल्कोहल लोगे तो रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा, एक नंबर में। कई बार ये छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, एक नंबर का ये प्रश्न पूछ लेता है छोटा सा। एक और पूछता है, ध्यान दे भाई, यहां लिख दिया मान लीजिए सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एच सी एल और एरो के ऊपर लिखता है जेड एन सी एल टू, एरो के ऊपर लिखता है जेड एन सी एल टू और प्रोडक्ट बनता है सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच टू ओ, सी एच थ्री एच सी एल एच टू बाहर हो गया और यहाँ क्या लग गया सी एल लग गया, एच टू बाहर हो गया और यहाँ क्या लग गया भाई सी एल लग गया, ठीक है, एच टू बाहर हो गया और यहाँ कौन लग गया सी एल, ऐसे एच टू बाहर हो गया और यहाँ कौन लग गया सी एल। अब पूछ लेता व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ जेड एन सी एल टू, व्हाट इज द रोल ऑफ
ZnCl2 in this reaction. What is the role of ZnCl2 in this reaction? इसका आंसर लिखें. ZnCl2 acts as Lewis acid and used to weaker the bond between carbon and oxygen. Weaker the bond between carbon and oxygen means इस bond को कमजोर करता है, ये इस bond को कमजोर करता है ताकि reaction fast हो जाए. वो कैसे कमजोर करता है वो भी आप देख सकते हैं. CH3 CH को यहाँ लिखा, मैंने H को यहाँ लिखा और यहाँ क्या था O, H ऑक्सीजन के पास क्या है इलेक्ट्रॉन का पेयर है. ठीक है भाई, ध्यान दे. ZN जो है वो जिंक टू पॉजिटिव होता है, जिंक के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई. ऑक्सीजन क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो देखिए बनेगा क्या, CH3 C H H ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. यहाँ एक H H था और ये कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया जिंक के साथ. अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, नहीं होता. वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लेंगे, ठीक है, आसानी से OH बाहर निकल जाएगा. मीन्स इस बॉन्ड को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कमजोर करने के काम करता है ZnCl2. आज की क्लास में इतना ही, कल हम आगे के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे.